महाराष्ट्र के अहमदनगर के कर्जत में नुपुर शर्मा का समर्थित प्रतीक पवार पर हुए हमले के आरोपियों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि एक दिन पहले हमलावरों ने प्रतीक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल प्रतीक का भाई प्रत्योत ने बताया कि मेरा भाई हिंदुत्व को फॉलो करता है और वो मोबाइल पर नुपुर शर्मा का समर्थन कर स्टेटस लगाया था, जिसके बाद उसे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। इस हमले के विरोध में अहमदनगर का कर्जत बंद रखा गया था। पुलिस ने कहा है कि हमले के सभी आरोपी पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है।